गाजीपुर मोहल्ले में जलभराव की स्थिति। आवासीय लोग जलभराव से परेशान, नागरिकों को भी आवागमन करने में भारी कठिनाई। प्रयागराज के नैनी क्षेत्र में बरसात की किरण नैनी के कई मोहल्लों को जलमग्न करके नागरिकों के बीच एक गंभीर समस्या को जन्म दे दिया है, जिसका जीता जागता उदाहरण बीती रात के समय हुई बरसात में काजीपुर मोहल्ले में देखने को मिला है, जो GIC कंपनी से लगा हुआ क्षेत्र है। इस मोहल्ले के नागरिकों के बीच लोगों को जलभराव मार्ग से ही गुजरकर अपनी आवश्यकताओं की चीजों की पूर्ति करनी पड़ रही है, जबकि यह मार्ग मिर्जापुर रोड से जुड़ा हुआ है, मुख्य मार्ग भी है, जो अधिकांश मोहल्ले के लोगों को आवागमन करने में अपनी गति को निर्धारित करता है। इसके बाद भी इस मार्ग पर एक बहुत गंभीर रूप से दयनीय स्थिति बनी हुई है, जो चिंता का विषय है, और इसके अतिरिक्त अन्य कई सड़कों का भी हाल बहुत ही खराब स्थिति में देखने को मिला है। और वहीं दूसरी ओर इन समस्याओं के संदर्भ में जब स्थानीय नागरिकों से संज्ञान लिया गया तो पता चला कि इस मुख्य मार्ग की दशा प्रत्येक वर्ष की बरसात में इस तरीके का जलभराव व्याप्त हो जाता है, जिसके संदर्भ में कई बार क्षेत्रीय नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत भी कराया गया। इसके बाद भी नगर निगम प्रशासन आज भी खामोश की स्थिति में बना हुआ है, जिसे स्थानीय लोगों के बीच भारी आक्रोश व्याप्त है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रामबाबू पटेल की खास रिपोर्ट।